गाइज, अभी तक जिसका जेई मेंस का पेपर नहीं हुआ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इसमें मैं लेके आया हूँ डिटेल एनालिसिस 4th और 5th अप्रैल के दोनों शिफ्ट का, जिससे हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एनटीए ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, सो दैट आपको एक रफ आइडिया मिल जाए, और बाकी ये सारे टॉपिक्स लास्ट टाइम में और सारे क्वेश्चन जो बताऊंगा वो आपके नेक्स्ट शिफ्ट के लिए करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज अच्छे से करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, बट उससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस बार जो जेई मेंस का पेपर था उसमें आप मैक्सिमम देखोगे कि 1 से 2 क्वेश्चन अभी तक जो देखा गया वो आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी सारे क्वेश्चन आपके रिड्यूस सिलेबस से ही था। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या भैया वो टॉपिक जैसे पोटेंशियोमीटर का कोई क्वेश्चन था वो करके जाना है या नहीं, तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर रहे और 2 या 1-2 क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो, वो भी कुछ शिफ्ट्स में आए हुए। सो प्लीज रिड्यूस सिलेबस को ही फोकस करना। केमिस्ट्री यार बहुत ईजी पूछा जा रहा है, अगर अभी तक के हम सारे शिफ्ट्स पे देखेंगे तो ईजी है, हाई स्कोरिंग है, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा वेटेज है, फिजिकल का कम है। मैक्सिमम शिफ्ट में 7 से 6 क्वेश्चंस देखे गए फिजिकल केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पिक किए, जैसे कि आपको लास्ट टाइम जनवरी में हुआ था वैसे ही सेम सिनेरियो, इसलिए बार बार मैं पुश करता था कि आप एनसीईआरटी से अच्छे से करो, बट क्योंकि अब टाइम कम है आपके नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप एनसीईआरटी हाईलाइट यूज कर सकते हो, जिसमें क्या है 2 से 3 पेजेस में एनसीईआरटी को समराइज किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे कवर्ड है। पीडीएफ जो है ना सारे चैप्टर्स का मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बट यार एक चीज बोलूंगा कि आप मैक्सिमम ट्राई करना कि जो जो चैप्टर्स आप कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ उनके एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ लेना, बिकॉज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट थे जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, केमिस्ट्री के केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अच्छे खासे क्वेश्चन थे, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थर्मोडायनेमिक्स, जीओसी, अल्कोहल, ईथर एंड फेनॉल, फिर एमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्काइल, एल्काइल हैलाइड्स, बायोमोलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड फिर केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशंस, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सारे चैप्टर्स इन जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में होते हैं और इसी टॉपिक से एनटीए ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा है केमिस्ट्री में इस बार, ठीक है। बाकी देखा गया है कि एसर्शन रीजन और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी थे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के केस में, अगर फिजिक्स देखा जाए तो यार फिजिक्स लास्ट टाइम से मॉडरेट साइड में था, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं था जैसे जनवरी में पूछा गया था, तो फिजिक्स का लेवल कंपैरेटिवली मॉडरेट था अगर हम लास्ट टाइम से कवर करें चेक करें तो। फिजिक्स में जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स का तो हर बार होता है, इस बार भी था करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए, मैकेनिक्स से था, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, इन सबसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क फॉर एनर्जी, इन सबको भी कवर किया गया, थर्मोडायनेमिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, साउंड एंड वेव्स, मैग्नेटिज्म, ठीक है। बाकी आप ये सारे टॉपिक जो बता रहा हूँ इसको लास्ट टाइम कवर कर लेना। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, तो यार मैथ्स इस बार था ना ये इजी था, इनफैक्ट मॉडरेट साइड में बोलूंगा जैसा हर बार मैथ्स आता है, बट इस बार बच्चों को बहुत टफ लगा मैथ्स, जस्ट बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चंस लेंदी कर दिए गए। तो मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं था, लेंदी होने के कारण ऐसा लगा, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे उसके कारण ऐसा लगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चंस डाल दिए, बहुत सारे बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, 3D वेक्टर, कैलकुलस, एलजेब्रा, रिलेशन फंक्शन, 2D 3D ज्योमेट्री जो बताया था, सर्कल्स, इन सबसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को भी कवर किया गया, वेक्टर, 3D, इन सबसे भी पूछा गया, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस थे। बाकी अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में मूव करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, तो यार देखो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताया है ऐसा हो सकता है इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपने नहीं किया होगा, बट ऐसा नेसेसरी नहीं कि हमें सब टॉपिक्स करके जाना है, बिकॉज टाइम ही नहीं बचा अब हमारे पास। तो मैं यही बोलूंगा कि जो नए टॉपिक्स है वो नहीं करने, जो पुराने टॉपिक जो ऑलरेडी आपने कर लिया उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स खुद नहीं बनाए तो मेरे शॉर्ट नोट्स यूज़ कर लेना जो व्हाट्सएप चैनल पे अपलोडेड है, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, फ्लैश कार्ड से आप लास्ट मिनट फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो, और फाइनली जो एनसीईआरटी हाईलाइट्स बताया वो केमिस्ट्री के केस में आप यूज़ कर सकते हो, इन टॉपिक्स को अच्छे से करना। और एक चीज़ बताता हूँ, ये जो पेपर्स अभी तक हो गए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मुझे पता है सॉल्व करने का टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करना सॉल्यूशन देख लेना, सो दैट थोड़ा आपके दिमाग में चल जाए कि क्वेश्चंस का आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है। प्रोबेबली आपके अगर पेपर में ऐसी सेम टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आप इजीली वो क्वेश्चंस कर सको। तो ये जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आपको पीडीएफ मिल रहे जो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है उसको देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करते हैं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या सिनेरियो रह सकता है। सो गाइस जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के केस में क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बन सकता है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो भी डेटा है ये एक रफ आइडिया देने के लिए, सो दैट आप आगे के जो डिसीजंस है उसका थोड़ा सा आइडिया ले सको कि क्या करना है आपको आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस में। बट ये डेटा भी वेराई कर सकता है, जैसा आपको जनवरी में दिखाई दिया होगा कि एनटीए ने क्या सीन क्रिएट कर दिया था डिस्ट्रीब्यूशन में जिसके कारण वेराई हो गया था। सो
अभी कोई एक्चुअल डेटा आपको नहीं दे सकता इस बार भी, बट एक रफ आइडिया मैंने दे दिया है। अगर आपका जेईई मेंस का पेपर अच्छा नहीं गया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपने फॉर्म्स भरा है अदर एग्जाम्स का, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई भी NITs, लोअर NITs में एडमिशन लेने का सेंस नहीं बनता है। बाकी एक ऐसा कॉलेज के बारे में बताता हूँ जिसका नाम आपने सुना होगा, जो आज की डेट में IITs, NITs, BITs के साथ अपना नाम रख पा रहा है। एक ऐसा कॉलेज जिसके फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को कोडिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाता है और इनके बीटेक डिग्री इन CS इन AI में मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप है सेकेंड ईयर में ही स्टूडेंट्स को, सो दैट उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही डिफरेंट वर्कशॉप करते हैं जिससे वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं लाइक Amazon, Netflix जैसे वेबसाइट्स, और उसके साथ साथ वर्ल्ड के टॉप कोडिंग कॉम्पिटिशन जैसे ICPC, इन पे इन स्टूडेंट्स की 114 जैसे रैंक आती है बिकॉज इनको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। इस कॉलेज की डिग्री आपको मौका देती है सिलिकॉन वैली सिंगापुर में जाके टेक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में अगर इंटरेस्टेड है तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं पहले गूगल Amazon जैसे टेक लीडर्स से पर्सनल मेंटरशिप देके, और उसके साथ साथ सेकेंडली यहाँ पे आपको 1 करोड़ तक सीट फंडिंग भी मिल जाती है अपने स्टार्टअप्स के लिए। मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो एडमिशन टेस्ट है वो 20th अप्रैल है और लास्ट डेट ऑफ फिलअप एग्जाम फॉर्म को फिलअप करने का वो 19th अप्रैल है। बाकी ये जो एग्जाम है ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज में बेस्ड है, जो आपका अभी तक आपने प्रिपरेशन किया है उसी के बेसिस में ये एग्जाम हो जाएगा। 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से अप्लाई करना। बाकी गाइस फाइनल मैसेज है मेरे साइड से कि मैंने अपने साइड से सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, फ्लैश कार्ड्स हो, सब कुछ लास्ट मिनट रिविजन के लिए। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट। और कोई प्रॉब्लम है पर्सनल कनेक्ट होना तो आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप पे जुड़ सकते हो, मेरे से वहाँ पे पर्सनली बात भी कर सकते हो, बाकी सब स्टूडेंट्स वहाँ पे पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछते हैं। बाकी यार अपना बेस्ट दो, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से मचाना, बाय।